हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नेट एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉइंड बाय, यानी कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो टेस्ट है वो किसने दिया था? तो वो दिया था जॉर्ज डब्ल्यू स्नेडर ने। नेक्स्ट है काई स्क्वायर, यानी कि काई स्क्वायर टेस्ट जो है उसको हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं, और ये दिया था कार्ल पियर्सन ने। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? वो दिया था डी मोरे ने। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन, यानी रिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? तो वो दिया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने 1877 में। नेक्स्ट है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? तो वो दी थी अब्राहम एच मैस्लो ने, जो कि उन्हीं के नाम से ही मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी उसका नाम पड़ा था। नेक्स्ट है हर्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी दी थी फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। नेक्स्ट है थ्री नीड थ्योरी, यानी कि थ्री नीड थ्योरी जो है वो किसने दी है? तो वो दी है मैक क्लेलैंड ने। नेक्स्ट है लीडिंग एडवोकेट ऑफ पावर, यानी कि लीडिंग एडवोकेट ऑफ पावर नाम की जो थ्योरी है वो किसने दी है? तो वो दी है अल्फ्रेड एडलर ने। नेक्स्ट है ईआरजी थ्योरी, यानी कि ईआरजी थ्योरी दी है एल्डरफर्ड ने। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, यानी कि ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दी थी? तो वो दी थी विक्टर ब्रूम ने, जो कि उन्हीं के नाम से उस थ्योरी का नाम पड़ा। नेक्स्ट है पॉटर लॉरलर मॉडल में किस चीज को डिफाइन किया गया है? तो इसके अंदर एफर्ट परफॉर्मेंस रिवॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन को बताया गया है। नेक्स्ट है इक्विटी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी जो हमें दी थी वो दी थी जे स्टैकी एडम्स ने। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी थी बी एफ स्किनर ने। नेक्स्ट है थ्योरी एक्स एंड वाई दी थी मैक ग्रेगर ने। नेक्स्ट है थ्योरी जेड दी थी विलियम ऊची ने। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था WS गूसेल्ट ने। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था जेम्स बर्नौली ने। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिया था साइमन पॉइजन ने। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस गिविन बाय, तो कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस दिया था कार्ल पियर्सन ने। और कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन ये भी दिया था कार्ल पियर्सन ने, जबकि स्पीयरमैन कोरिलेशन की बात करें तो वो दिया था एडवर्ड स्पीयरमैन ने। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन ने दिया था, और अगर हम सिंपली कोरिलेशन की बात करें तो वो दिया था कार्ल पियर्सन ने, जबकि अगर स्पीयरमैन कोरिलेशन की बात करें तो वो दिया था एडवर्ड स्पीयरमैन ने। आप नाम से इजिली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है टोपोग्राफी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो टोपोग्राफी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी थी WJ योडेन ने। नेक्स्ट है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट है ओरिजिनेटर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड का ओरिजिन किसने किया था? तो वो किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। नेक्स्ट है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, तो ये दी थी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पॉल सैमुएलसन ने। नेक्स्ट है कार्डिनल यूटिलिटी, तो फ्रेंड्स कार्डिनल यूटिलिटी को न्यू क्लासिकल अप्रोच भी बोला जाता है, और ये दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने। नेक्स्ट है किंग डिमांड दी थी पॉल स्विजी ने। नेक्स्ट है जेट टेस्ट के यहाँ पे फ्रेंड्स नाम बताए गए हैं, तो इसका जो जेट टेस्ट का अनदर नेम है वो है स्टैंडर्ड नॉर्मल टेस्ट, अप्रोक्सीमेट टेस्ट एंड लार्ज सैंपल टेस्ट। तो ये तीन नाम है, आप अच्छे से याद रखिए। जेट टेस्ट को स्टैंडर्ड नॉर्मल टेस्ट बोला जाता है, अप्रोक्सीमेट टेस्ट बोला जाता है, और लार्ज सैंपल टेस्ट बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टी टेस्ट। टी टेस्ट को फ्रेंड्स हम इसमें स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, एग्जैक्ट टेस्ट भी बोलते हैं, और स्मॉल सैंपल टेस्ट भी बोलते हैं।
वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट फ्रेंड्स, इस टेस्ट के अंदर जो डायरेक्शन होता है वो हमारा स्मॉलर और ग्रेटर में डिफाइन किया जाता है, और इसको हम राइट टेल टेस्ट भी बोलते हैं। एफ जो कि हमारे एफ टेस्ट एंड कायकोएट टेस्ट जो हमारे होते हैं वो हमारे वन टेल टेस्ट कहलाते हैं। तो एक तरह से हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि वन टेल टेस्ट हमारे एफ टेस्ट और कायकोएट टेस्ट है। जबकि टू टेल टेस्ट, तो टू टेल टेस्ट फ्रेंड्स, इसका जो डायरेक्शन होता है वो मेंशन नहीं किया होता। सिंपली इसको जो हम मेंशन करते हैं वो इक्वल और इक्वल्स को काटते हैं, तब वहाँ पे इट मीन्स ये टू टेल टेस्ट है। और अगर इसकी अनदर नेम की बात करें तो इसका जो अनदर नेम है वो है लेफ्ट टेल टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेयर टेट टेस्ट की। तो पेयर टेट टेस्ट को फ्रेंड्स बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, ये सारे हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, तो आप वहाँ बता सकते हैं कि टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड जेड टेस्ट हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। नेक्स्ट है एफ डब्ल्यू टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कोरिलेशन। कोरिलेशन डिनोट किया जाता है आर से, और कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो -1 to 1 होती है। तो कोरिलेशन की जो वैल्यू आती है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आएगी, जबकि यहाँ पर जो 1 जो वैल्यू होगी वो डिनोट करती है कि ये हाईली कोरिलेटेड वैल्यू है, जबकि -1 बताती है कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है। नेक्स्ट है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा तब कहलाया जाता है जिसमें मीन, मीडियन एंड मोड तीनों हमारे इक्वल होते हैं, वो वैल्यू हमारी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। जबकि पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हमारा मीडियन से बड़ा होगा और मीडियन हमारा मोड से बड़ा होगा, यानी कि हमारा मीन ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन ग्रेटर देन मोड होगा। इसको हम स्क्विड राइट भी बोलते हैं और पॉजिटिव स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। जबकि फ्रेंड्स, अगर हम नेगेटिवली स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हमारा मोड ग्रेटर देन होगा मीडियन से और मीडियन ग्रेटर देन होगा मीन से, जिसको हम स्क्यूड लेफ्ट भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। जब हमारे ये तीनों इक्वल होंगे तो वहाँ पे हमारा कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस ऑलवेज 0 होगा। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि स्क्यूनेस का जो कोफिशियंट है वो 0 कब होगा। वो तब होगा जब हमारा मीन, मीडियन एंड मोड तीनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर हमारा मीन ग्रेटर देन है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर देन है मोड से, तो इसका मतलब है पॉजिटिव कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस है, जो कि अभी हमने फ्रेंड्स ऊपर भी पढ़ी थी। सेम उसी तरह से हमारी नेक्स्ट है मीन अगर हमारा लेस देन है मीडियन से और मीडियन लेस देन है मोड से, तो ये हमारा बताता है कि नेगेटिवली कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, आई होप। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जो होता है हमारा वो हमारा होता है मोड इक्वल टू 3 median - 2 mean, यानी कि जब हम मोड निकालेंगे तो उसको हम निकाल सकते हैं 3 median - 2 mean से, जिसको हम मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कोर्नोट ड्यूलोपोली मॉडल, जो था हमारा वो 1838 में आया था, जबकि बर्नार्ड ड्यूपोली मॉडल जो था हमारा 1880 में आया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पूछ लिया जाता है कि ये मॉडल कब आया था। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा एच वर्थ ड्यूपोली मॉडल कब आया था, तो फ्रेंड्स ये आया था 1897 में। स्टैकिल ड्यूपोली मॉडल जो है हमारा 1933 में आया था, जबकि कैम्बरलिन ड्यूपोली मॉडल जो है हमारा वो 1934 में आया था। नेक्स्ट है स्विजी ड्यूलोपोली मॉडल जो है हमारा वो 1939 में आया था, और न्यूमैन मॉर्गेस्टर्न गेम थ्योरी मॉडल जो है हमारा 1944 में आया था। लास्ट है हमारा बॉर्मॉल ड्यूपोली मॉडल, जो कि हमारा आया था 1959 में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिल सके।
और अगर आपको वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी लगी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज या फिर मेरे इंस्टा आईडी से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वेरी को आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।